दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, बुंदेलखंड के एक ऐसे नेता जो सर्व समाज को स्वीकारित हैं, सर्व वर्ग को स्वीकारित हैं, सर्व धर्म को स्वीकारित हैं, और एक ऐसे नेता का नाम है प्रदीप जैन आदित्य। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य के कुछ दिनों के क्रियाकलाप, खास तौर से जो कुछ दिनों पहले ललितपुर में घटनाक्रम हुआ है, उसमें उनकी जिस प्रकार से नाम जोड़ा गया, उस पर पूरी चर्चा हुई और बड़े लेवल पर प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद प्रदीप जैन आदित्य लगातार सोशल मीडिया पर उनके लिए टारगेट किया जा रहा है और उनके बारे में कई सब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो जो भी पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे सैकड़ों कमेंट में उनके खिलाफ में या उनके तर्क देते हुए सवाल पूछे जाते हैं। प्रदीप जैन आदित्य वो शख्स जिन्होंने छोटी सी राजनीति से लेकर देश की एक बड़ी राजनीति में उनका एक दबदबा रहा और हर प्रकार से वो लोगों के बीच में रहे, जीतने पर भी रहे, हारने पर भी रहे, और लगातार सक्रिय बने रहे और सभी नेताओं के सभी वर्ग के लोगों के चहेते बने रहे, इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। धन बल से इतने ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में है, क्योंकि राजनीति बिना धन के भी नहीं चलती है। लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रियता उनकी चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद देखने को मिलती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लगभग 4.25 लाख वोटों से कभी जीता करते थे, आज की स्थिति में ये रहा कि वो 1 लाख वोटों से जीते हैं और उन्हें महसूस हुआ कि कोई ऐसा नेता है झांसी के अंदर जो हमें टक्कर दे सकता है। वो शख्स का नाम था प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप जैन आदित्य लगातार सक्रिय रहे क्षेत्र में, लोगों के बीच में पहुंचे, हर छोटी बड़ी समस्या के साथ वो खड़े नजर आए। लेकिन जैसे ही इस चुनाव में पीडीए मॉडल के तहत वो चुनावी कैंपेन में आए, तमाम उन्हें चीज़ों का सामना करना पड़ा, टक्कर भी अच्छी खासी हुई, तमाम वर्गों का साथ भी मिला, ऐसे में उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। हारे, परिणाम अलग रहे, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लोकप्रियता बहुत बड़ी है उनकी, बहुत अच्छी तरीके से लोग उन्हें समझने भी लगे हैं, लेकिन जो ललितपुर में गौना कांड में जब वो पहुंचे और उसके बाद वहां से प्रतिक्रिया जो आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जब भी वो कोई पोस्ट डालते हैं या कोई प्रतिक्रिया देते हैं, उसके नीचे सवालों की झड़ी लग जाती है। स्पष्ट तौर पर प्रदीप जैन आदित्य जब गौना पहुंचे थे तो उसके बाद उन पर सवाल खड़े हुए, मैंने भी कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अकेली एक गलती के कारण उन्हें टारगेट करना ठीक नहीं है। उन्हें इस चीज का बोध भी हुआ होगा कि वो गए क्यों, पार्टी प्रोटोकॉल मान लीजिए या कुछ दबाव मान लीजिए या कुछ अति कॉन्फिडेंस मान लीजिए, कुछ ऐसा जो वो नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ा, ये भी मान सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। या फिर ये कहें कि जो चुनाव में अच्छा खासा हाइट मिला और उन्हें लगा कि हम आगे जीत सकते हैं, इसलिए ज्यादा चहेते बनने के लिए कुछ ऐसा किया हो। पीडीए के भीतर तमाम वर्ग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य की जो विचारधारा है जिसमें सर्व समाज की स्वीकारता, सर्व धर्म की स्वीकारता और सभी के लिए खड़ा हो जाना, ये प्रदीप जैन आदित्य का नेचर है। गौना कांड उनकी एक गलती हो सकती है, वो माने चाहे ना माने, लेकिन गलती है और उसको लेके मैंने उनसे क्रिटिसाइज भी उन पर बहुत कुछ किया है। और आज के समय में प्रदीप जैन आदित्य जिस तरीके से अंदर खाने परेशान चल रहे हैं, या तो वो जान सकते हैं और उन पर नजर रखने वाले हम जैसे लोग जान सकते हैं कि प्रदीप जैन आदित्य कितने डिस्टर्ब हैं अंदर अंदर। चूंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनके करीबी सोशल मीडिया पर उनकी खबर पोस्टों के नीचे कमेंट लिख रहे हैं, उन कमेंटों में कई तर्क दिए जा रहे हैं। हम आह्वान करेंगे उन सभी लोगों का जो इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते हैं, जहां जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा मिले। प्रदीप जैन आदित्य की गलती है, उन्होंने जो किया या तमाम लोगों ने जो किया वो सब सामने आ गया है। उन नेताओं को भी समझ में आ गया है कि जो जातिवाद के सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, और जिन्होंने ये मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर के भीतरघाती लोग हैं, उन्हें भी अब समझ में आने लगा है कि भैया कलई खुल गई, पोल खुल गई, अब बच के रहे की आप सकता है। हम बात प्रदीप जैन आदित्य की कर रहे, और प्रदीप जैन आदित्य की बात इसलिए कर रहे कि एक अच्छे नेता, एक जननायक की बात करना आवश्यक है। वो आदमी उतना खराब नहीं है जितना हम लोग उसपे चर्चा कर रहे। हमने भी बहुत सी चीज क्रिटिसाइज करी हैं, वो करें, गलत करें तो बोलें भी, लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसकी तारीफ भी करी जाए। मतलब सांसद अनुराग शर्मा तो अब उन्हें नौटंकी बाज कहने लगे, चुनाव में अनुराग शर्मा को भी जो पतों पर गो, प्रदीप जैन आदित्य किस शख्स का नाम है, प्रदीप जैन आदित्य किस नेता का नाम है, प्रदीप जैन आदित्य
कितने बड़े उनके लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैंगे राजनीतिक तौर पर, वे भी चीज को समझे बैठे हैंगे। अनुराग शर्मा की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, प्रदीप जैन की भी उम्र ज़्यादा नहीं है और दोनों ही भविष्य की राजनीति में और कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदीप जैन के पुत्र भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। पीडीए मॉडल में चंद्रपाल यादव और उनके पुत्र भी राजनीति में अपनी तरीके से अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ललितपुर में भी कुछ नेता हैं जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तमाम चीज़ें दिख रही हैं। प्रदीप जैन की राजनीति का पैटर्न हमेशा ये रहा है कि लोगों के बीच में रहें, सक्रिय बने रहें, हर मुद्दे पर ठाड़े हो जाएं, परिणाम कुछ भी आए लेकिन लगे रहें, सक्रिय बने रहें। और वो लगभग हम 10 साल से वो लगभग देख रहे हैं कि सत्ता में ना होने के बाद भी वो सक्रिय बने रहे हैं और हर मुद्दे पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता को उन्होंने ही आईना दिखाने का प्रयास किया है और कांग्रेस के साथ साथ पीडीए उनकी साफ छवि भी बहुत कुछ उन्हें मजबूत करके जाती है। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों से उन्हें बचने की अति आवश्यकता है जहां पर फिर लोग उन्हें टारगेट करने लगे। हम उनके कमेंट पढ़ रहे थे, लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे, मुझे बड़ा अजीब टाइप का लगा कि इस प्रकार की चीजें प्रदीप जैन जैसे नेता के साथ हो रही हैं। और अब कहीं ना कहीं उस चीज पर विराम लगना चाहिए। ललितपुर के लोग समझ चुके हैं, नेता समझ चुके, झांसी में बैठे नेता समझ चुके कि जाति की राजनीति ज्यादा टिके नहीं ललितपुर जैसे जिला में। और ऐसे में सब समाज को सहयोग लेके आगे बढ़ने मुद्दा पे राजनीति करो, ना कि समाज को बटारवे के लिए राजनीति करो। जनहित के मुद्दन पे लड़ो, जन समस्या पे लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेता आंख बंद करके कि जाति पे हल्ला देने लगत, उन्हें जाति सोचवे की आवश्यकता है कि अगर तुम जाति को चश्मा लगाएं, जब सामने वाले जाति के चश्मा के साथ देखने लगें तो फिर का हुई है, हर दिन नई नई चीजें सामने आए और फिर ऐसे में एक बेमनुष्यता फैले। प्रदीप जैन हमारी बड़े चहेते हैं, हम भी उन्हें बहुत अच्छा मानत, चूंकि हमें भी लगभग 12 से 15 साल से जानत हैं कि हमारा नेचर का है और हम उन्हें भी जानत कि वे कैसे हैं, लोगों के बीच में हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो कछु दिन से हैं, चाहे वो एक ईगो मान लो, चाहे कछु मान लो, कछु एक ऐसी चीज़ पनप रही थी जिससे कछु चीज़ उन्हें नुकसान भाव, और जो जो अब भाव वो उन्हें सीख है। चूँकि इस चुनाव में ठाकुर समाज को भी बहुत बड़ा सहयोग उन्हें मिले हैं और इसीलिए ठाकुर समाज की वह नाराजगी है कि हमने तुम्हारा साथ दाओ और हमारे संगे ऐसो रहो। वोट हर वर्ग को मिले, बटे है वोट, इसलिए जो अनुराग शर्मा 1 लाख से जीते तो वो 4.25 लाख से जीते थे, क्योंकि बीच को जो अंतर कम भाव वो जो ही कारण है कि हर वर्ग को वोट कटे है और नाराजगी जो पार्टी से है या लोगों के लायानदेखी करी गई उनके कारण प्रदीप जैन को कद बढ़े और साफ छवि भी उनको बहुत बड़ा एक कारण बने। या फिर जो मान लो कि प्रदीप जैन की ज़्यादा चर्चा नहीं पी क्योंकि विपक्ष में रहे और विपक्ष में उन्होंने जितना कर सकते थे वे करे हैं। अब भविष्य में क्या करवे की आवश्यकता है, कैसे राजनीति में आगे बढ़वे की आवश्यकता है, चूंकि जो एक नारा लगे तो प्रदीप जैन नहीं ये आंधी है, बुंदेलखंड का गांधी है। इस नारे के आसपास भी कहें कि जो प्रदीप जैन की राजनीति है वो भी घूमती हुई नजर आती है। हर जगह आंसन के लिए बैठ जाना, किसी भी व्यक्ति को जिसको जानते तक नहीं उसकी मदद कर देना, रास्ते पे कोई दिख जाए उसकी मदद कर देना, हर प्रकार से लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके से उपस्थित वो रहे हैं। झांसी की जनता ने बहुत स्नेह प्रेम उन्हें दिया है तो ललितपुर की जनता ने भी सिरमौर बना के उन्हें अपने आप हमेशा उनका सहयोग किया और उन्हें भी प्यार मोहब्बत दी है और वो भी लगातार ललितपुर भी आते रहते हैं और सक्रिय बने हैं। हाँ, कुछ लोगों के पास हो सकता है, कुछ लोगों को देख के वो जाते हों, कुछ लोगों के करीब उन्हें जाने में बड़ा दिक्कत होती हो, खासतौर से हम जैसे लोगों से जब भी दिख जाए, जब भी बात हुई है, शायद उनके बाद बात नहीं हुई है, कारण भी हो सकता है उनके आसपास के लोग जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन प्रदीप जैन रात में भी हमें पहचान लें, दिन में तो ये पहचान नहीं लें। अब प्रदीप जैन की राजनीति में जो अब चल रहा हो, जो चल रहा हो, जैसे गोना कांड के बाद वे टारगेट पे आए, आज प्रदीप जैन बैकफुट पे हैं। ललितपुर में आए दुख के निकल गए, फोटो खींची चले गए, बाकी ज़्यादा कोई बयानबाजी या जनहित के मुद्दन पे वो बोल नहीं रहे। झांसी में लाइट की सप्लाई को लेकर एंसन भी करे, तमाम चीज़ें और भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शांत होते हुए नजर आ रहा है। अब कब तक शांत रत कारत जब देखे वाली बात हुई है। प्रदीप जैन एक अच्छे नेता हैं, हम आशा करत कि अच्छे नेता को थोड़ा सा जातिवाद से बचवे की आवश्यकता है। विकास डेवलपमेंट पर बात करो, चूंकि सर्व समाज को वोट मिले तो फिर सर्व समाज उंगली भी उठाओ, सवाल
भी पूछत और बाबर ज़्यादा पूछत जी ने तुम्हारी ज़्यादा मदद करी हो। और गोना कांड जैसे कांडन से या तमाम चीज़ें हैं, कोई को झूठो फंसाओ तो कोई तुम्हें भी झूठो फंसा सकत और उनका रोज राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती। इसलिए इन सब से बचवे की भी आ सकता है, नफरत की राजनीति को ब्राम लगावे की आ सकता है, मोहब्बत की दुकान खुलत फिर रहे थे और नफरत फैलावे को काम जो करेगा उसे बचवे की आ सकता है। तब आई जाके सबको साथ और सबको सहयोग मिले भविष्य की राजनीति में, चूंकि आप हो आपको बच्चा है तमाम चीज़ इन सबको देखने पड़ते है। और आप जैसे लोग इस बुंदेलखंड की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, मुद्दा बहुत है, शायद वो मुद्दन पे आप राजनीति करन नहीं चाह रहे। बुंदेलखंड राज बनावे की आवाज क्या प्रदीप जैन आदित्य नहीं उठा सकते? क्यों बुंदेलखंड राज की आवाज को लेकर वो आंदोलन नहीं कर सकते? पीडीए का तो बहुत बड़ा साथ है, सपा साथ में खड़ी और भी राजनीतिक पार्टियां साथ में खड़ी, एक बड़ा संगठन होगा, अच्छा खासा तुम्हें वोट बैंक भी मिले है, तो लोग हैं। तो बुंदेलखंड की राजनीति अब काहे नहीं कर रहे, बुंदेलखंड के लिए काहे नहीं आवाज उठा रहे, जा भी देख रहे वही बात है, क्यों नहीं मुद्दन पे लड़ रहे? हाँ शादी ब्याह पंगत धार्मिक कार्यक्रम सब पर रूटीन में आप जाओ तो जा रहे, लोगों के चाहते हो सर्वधर्म के स्वीकारित नेता हो, सर्ववर्ग के स्वीकारित नेता हो, हमें भी अच्छी लगत, लेकिन हमें जातिवादी राजनीति से थोड़ी सी एलर्जी है, क्योंकि जो समाज को बांटवे की राजनीति है वोट बैंक के चक्कर में, एक अपने खुद के जो समर्थक लोग हैं या अच्छे लोग हैं उन्हें नहीं खो, क्योंकि प्रदीप जैन आदित्य को जैन के चश्मा से नहीं देखत कौन, प्रदीप जैन आदित्य को एक अच्छे नेता के तौर पे देखत। और अगर गांधी से तुम्हारी तुलना तुम्हारे कार्यकर्ता कर रहे तो गांधी के तरह बने भी रहो, जाति को चश्मा पे या जाति की राजनीति पर राजनीति करने की आवश्यकता प्रदीप जैन जैसे लोकप्रिय सबके मन में सबके दिल में रहे वाले नेता को शोभा नहीं दे। ना तो फिर वही बात हुई है कि जो अनुराग शर्मा कह रहे थे कि नौटंकीवाद नीतन से कछु नहीं होते, नौटंकी के अलावा और कछु है नन्या, फोटो खिंचाई और निकल गए। तो इन सब से बचवे की आवश्यकता है, सत्ता कछु के विपक्ष कछु से लोग कछु के हम कछु के, लेकिन समाज कहूँ से बट नहीं जाए। और समाज में जब आप कहूँ चौराहे पे कहूँ खड़े हो तो अच्छी तरह से सभी लोग सम्मान करें, प्यार करें, सहयोग करें और संगे उन्हें आशा रहे भैया पूर्व मंत्री जी हमारे साथ हैं और हमारे संगे का चू है, तो मंत्री जी आवाज़ उठाएं, जैसी उठाता है ऐसी उठाते रहो, लेकिन 22 जाति की राजनीति से बचने हैं। या फिर देखो चश्मा ऐसा लगा लो कि जो चाहे कि संगे कभी भी गलत हुए वो जीचा जाति को जीचा वर्ग को वो सहयोग करने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ना तो जाति देख के और जिनके संगे घटना भैया जिनने करी है उनकी जाति देख के राजनीति को मोर्चा नहीं खोल लें, यह हमारी नसीहत है। और हम जो सोशल मीडिया पर लगातार तुम्हारी पोस्ट के नीचे पढ़ रहे उसे हमें भी लग रहा हो कि एक अच्छे नेता की छवि खराब हो रही और वो दर्द को हम महसूस कर पा रहे, इसलिए हमने जो वीडियो बनाई लोग कछु भी कहें हमें उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आकलन में प्रदीप जैन आदित्य अच्छे नेता हैं, चाहे मतलब झांसी की जो आपसी साठगांठ की राजनीति उको ने लाभ मिलत हो, चाहे वैसे वैसे ही हो और जो भी वे करत हुए उनकी राजनीति उनके हिसाब से ठीक रही, लेकिन एक गलती वे कर गए गोना कांड में। और अभी तक की जो हाइप उन्हें मिल रही थी राजनीति में, चर्चाएं हो रही थी, चुनाव परिणाम के बाद भी जनता खुश हती के 1,00,000 वोटन से अनुराग शर्मा जीते हैं इस सांसदीय सीट पर, मजबूती जो पीडीए को मिली है वो भविष्य की राजनीति को दरवाजा खोलत है। और इस प्रकार की चीजें प्रदीप जैन भी समझ रहे थे। अब उके संग पीडीए को खुश करवे के लिए अगर इस प्रकार की चीजें हो रही तो थोड़ा सा बचवे की आवश्यकता है कि प्रदीप जैन आदित्य को खुद को अपना एक कद है। और प्रदीप जैन आदित्य उ टाइम पे लगातार झांसी से जीतत आए, सांसद भी बने जब पीडीए को अस्तित्व तक नहीं है, तो उ टाइम पे भी तुम्हारे सामने बड़े दिग्गज नेता खड़े थे, पीडीए के बड़े बड़े नेता गोना कांड से दूर बने रहे और तुम्हें राजनीति को शिकार बना दो, जा भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि तुम्हारे संग एक बड़े हो षड्यंत्र होगा। नमस्कार।